हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, जैसे एक मूवी में क्या चाहिए होता है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, वैसे ही केमिस्ट्री में आपको क्या चाहिए? रफ़ी सर का ट्रिक, रफ़ी सर का कंसेप्ट और रफ़ी सर का अप्रोच। तो चलिए हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डेट मीन्स डॉन के बारे में। अरे नीट या जेई के दीवानों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। डेट मीन्स फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानेंगे? तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। देखो इसके बारे में सब लोग जानते हैं, डेट इज वाटर, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप बन करके तैयार हो जाएगा। इसलिए जो ट्रिक का आज का पॉइंट है वो है कौन। मैं हूँ डॉन। कौन का क्या मतलब है कि मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन को उठाया है। ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड हाइड्रोजन है तो ये बच्चे बच्चे को मालूम है कि इसको वाटर बोलते हैं। अब इसमें चेंजेज करेंगे, अगर एक तरफ हाइड्रोजन ही रखा, ओके, और एक तरफ आपने कार्बन लगा दिया। कार्बन सिर्फ एक ही लगा होगा ऐसा जरूरी नहीं, जितना भी कार्बन लगाना है लगाओ, बट एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए और एक तरफ कार्बन, तो इसको बोलेंगे अल्कोहल, या फिर इसी को फिनॉल भी बोल सकते हैं अगर वो बेंजीन होगा तो, अल्कोहल या फिनॉल। और अगर सपोज करो कि दोनों हाइड्रोजन को हटा दिए, दोनों तरफ कार्बन लगा दिए, तो इसको बोलते हैं ईथर। तो वेरी सिंपल है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को अगर आपको पहचानना हो तो वाटर एक बेस पॉइंट हो गया। वाटर में ऑक्सीजन के दोनों साइड हाइड्रोजन है तो वाटर, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन है तो अल्कोहल या फिनॉल, दोनों साइड कार्बन है तो ईथर। ऑक्सीजन का काम हो गया। नाउ अब हम दोनों को कंबाइन करके लेते हैं CO, राइट? तो C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखो, सब में हमने फिक्स कर दिया C डबल बॉन्ड O, ये फिक्स हो गया। अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड हाइड्रोजन है, क्योंकि यू नो कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड हाइड्रोजन हो या एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन हो, दोनों ही केस में इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन हो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। तो क्लियर होगा, C डबल बॉन्डो को फिक्स किया हमने, और दोनों साइड हाइड्रोजन हो या एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन हो तो एल्डिहाइड, दोनों साइड अगर कार्बन हो गया तो कीटोन। नेक्स्ट एक और मैंने बढ़ा लिया COO, राइट? तो डेट मीन्स इतना पार्ट इसमें फिक्स है, C डबल बॉन्डो O, डेट मीन्स कार्बन ने ऑलमोस्ट तीन बॉन्ड बना लिया, राइट? अब सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है। तो अगर इस साइड कार्बन है और ऑक्सीजन के इस साइड हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके? और ये उसके क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि बस इसमें चेंजेस करेंगे तो ये सब आपको मिल जाएंगे, ओके? तो अगेन ये C डबल बॉन्ड O और O फिक्स हो गया। अभी इधर में हमने कार्बन रखा और इधर हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एस्टर, राइट? और सिमिलरली अगर C डबल बॉन्ड O ये फिक्स रखा और ऐसा ही एक और आपने अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड कार्बन रख दिया तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। तो ध्यान से देखो, अगर C डबल बॉन्ड O एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसके दोनों साइड कार्बन होगा तो एस्टर, अगर इसके एक साइड कार्बन हो और एक साइड सेम ऐसा ही C डबल बॉन्ड O हो तो उसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। नाउ नेक्स्ट, अगर सिर्फ मैं नाइट्रोजन की बात करूं, N की बात करूं, तो ध्यान से देखो, अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तीनों हाइड्रोजन हुआ तो इसको बोलेंगे अमोनिया, दिस इज द बेस पॉइंट। अब एक हाइड्रोजन हटा करके एक ही कार्बन अटैच किया तो 1 डिग्री अमाइन, दो हाइड्रोजन हटा करके दो कार्बन अगर अटैच किया तो 2 डिग्री अमाइन, और तीनों हाइड्रोजन अगर आपने हटा दिया और तीन कार्बन अटैच कर दिया तो 3 डिग्री अमाइन। तो ध्यान से देखें कि नाइट्रोजन के केस में ये सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। अगर नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन, दो कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री अमाइन, और 3 कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री अमाइन। तो ये हो गया नाइट्रोजन का। नाउ अब हम क्या करते हैं कि CON तीनों को लेते हैं साथ में, CON अगर ये होगा C डबल बॉन्ड O और N तो इसको बोलते हैं अमाइड। कौन? तो अमाइड होगा ये। और C और N को सिर्फ अगर लोगे तो कार्बन नाइट्रोजन को लोगे तो साइनाइड होगा, और नाइट्रोजन से अगर बॉन्ड बना रखा है इधर कार्बन ने तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। नाउ नेक्स्ट, अगर C डबल बॉन्ड O के इधर में हैलोजन है और इधर में कार्बन है, राइट? C डबल बॉन्ड O जो ये वाला था, एक साइड में हैलोजन हो और एक साइड में कार्बन हो तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड।
क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड। और यू नो हैलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसको बोलेंगे हैलो। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा कि हम कैसे फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। वेरी सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहचान के आप तो ऑर्गेनिक में आपको बहुत ईजी होगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजिशन के बारे में। तो ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये इसको मैं क्या बोलूँगा प्यार से, बहन जी। ये है बेंजीन, बेंजीन है, लेकिन इसको मैं प्यार से बोलूँगा बहन जी। ओके, तो बहन जी पे ये 6 हाइड्रोजन है। अगर मान लो कि किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो भी बताया हो, अगर आप बेंजीन से हाइड्रोजन को हटा करके फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, अराइल। ओके, तो ये अराइल पोजीशन हो गया। डैट मीन्स बहन जी से एक हाइड्रोजन हटा देना है तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो ये 5 हाइड्रोजन और ये 6 कार्बन, डैट इज C6H5, ये आपका क्या कहलाएगा, अराइल। तो बहन जी का एक बाल निकाल देना है, समझे बात को। तो अगर बहन जी से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, अराइल बोलेंगे उसको। सिमिलरली ध्यान से देखो कि ये अगेन आपका बहन जी है, राइट। बहन जी पे अगर कोई एक कार्बन अपना अटैच कर दिया और उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखें, बहन जी पे कोई कार्बन अटैच किया हाइड्रोजन हटा करके, और फिर उस पर उसी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये बेंजाइल पोजीशन कहलाएगा, और बेंजीन पे ही डायरेक्ट है तो अराइल पोजीशन कहलाएगा। वैसे ही सेम, वैसे ही अगर डबल बॉन्ड पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप है, ओके, डबल बॉन्ड पे ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच है उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे अलाइलिक। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, ये ध्यान रखे, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, डेट मीन्स ये सारे सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। तो आई होप क्लियर होगा। अगर बहन जी से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो जो मिलेगा वो अराइल, बहन जी से एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन जोड़ो, कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी पोजीशन को बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्डेड पे ही फंक्शनल ग्रुप है तो विनाइलिक, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच है उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे अलाइलिक। सिमिलरली यू नो ये आपका हो गया एल्केन, राइट। एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर आप हटा दोगे तो जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको बोलेंगे अल्काइल, इसलिए इसका फॉर्मूला यू नो CnH2n+2 है। तो एल्काइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-1, उससे एक कम हाइड्रोजन। तो जितना एल्केन में होता है उससे अगर एक कम हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल। डैट मीन्स ये बॉन्ड फ्री हो गया, इधर से ये किसी से भी अटैच हो सकता है। सिमिलरली अगर एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बोलोगे एल्कीनाइल, फॉर्मूला CnH2n था एल्कीन का, तो CnH2n-1 हो जाएगा। और सिमिलरली एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइनाइल, और फार्मूला CnH2n-2 था, इसका क्या हो जाएगा CnH2n-3। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा।